हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपके स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्लक्स, ये कैसे वर्क कर रहा है और इसमें क्या मतलब उसका यूज़ क्या होगा और कितने टाइप्स होंगे, वो सारे हम ये वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से एक बार वीडियो आप देखना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उसको समझने के लिए हमें एक चीज़ लेना पड़ेगा। सपोज हम एक सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, लेट इट बी अ सरफेस। देखो ये हमारा एक सरफेस हो गया, सपोज ये हमने ले लिया एक प्लेन सरफेस, सबको पता होगा ये प्लेन, ठीक है, एक प्लेन हमने ले लिया। अब देखो इसमें से जितने भी लाइन्स क्रॉस होंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, या आप इसको एयर लाइन भी बोलते हो, या आप इसको एयर लाइंस भी बोलते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, अब ये जो फिनोमेना है ये लाइंस के पास होने का एक सरफेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझाना चाहूं, तो सपोज ये आपकी एक बुक है, ठीक है, अगर ये एक बुक है और सपोज ये रहा मेरे पास कुछ फील्ड लाइंस, ठीक। तो ये बुक है और ये फील्ड लाइंस, तो होगा क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये फील्ड लाइन क्या करेगी, अब इधर से जैसे ही पास होगा तो ये इसके थ्रू पास होना पड़ेगा, इधर से हम इधर से निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस को, एक फील्ड लाइन को एक सरफेस के थ्रू जाने, जब वो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमें पता चल गया, अब हम क्या निकालेंगे, अगर डिफाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी उसमें आएगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन टाइप्स, मतलब कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस फैक्टर पर डिपेंड करते फ्लक्स, वो लिखना होगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है, is known as electric flux, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ये समझ में आ गया होगा कि अब ये जितना ज्यादा, अब देखो इधर तीन, अब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि अगर मैं तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेज रहा हूं तो उसमें से कुछ फ्लक्स गया, अब मैं इसमें से दो और भेज दूं तो ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा क्या, तीन में अगर हुआ है कुछ अमाउंट तो उससे ज्यादा अगर मैं पांच फील्ड लाइन भेजूं तो उससे ज्यादा आपका जो फ्लक्स होगा वो जनरेट होगा, ठीक है। तो वो जनरेट होगा, जितना ज्यादा आपका फील्ड लाइन उतना ही ज्यादा आपका फ्लक्स। तो आपको इतना हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी या कोई भी कंडीशन ऐसा है जब आपका फील्ड लाइन आप इंक्रीज करते जाओ, आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होते जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक में एक टॉपिक लिख लो। देखो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और अब हम डिस्कस करेंगे कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है फ्लक्स। अब हेडिंग दे दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लक्स। तो जो पहला हमारा फैक्टर होगा, जो फर्स्ट फैक्टर होगा हमारा, वो होगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये सिंबल है फ्लक्स का, दिस इज योर फ्लक्स एंड दिस इज योर एरिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना ज्यादा आपको फ्लक्स जनरेट करना है उसके लिए ज्यादा एरिया का आपको, मतलब बड़ा एरिया चाहिए, अगर कम एरिया होगा तो क्या होगा,
वो कम जनरेट करेगा। इसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे, देखो अब मैं क्या करूंगा, इधर आपको एरिया दो सरफेस बना दे रहा हूं, ये हो गया हमारा एक सरफेस और ये हो गया हमारा दूसरा सरफेस। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर पा रहे हो कि देखो ये अगर मैं इसको एरिया A1 बोल रहा हूं और ये एरिया A2, तो A1 में एरिया, A1 एरिया फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, तो अब देख लोगे कि जो ये टोटल ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसमें से कम जा रहा है तो कम फ्लक्स जनरेट होगा, अगर ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो फ्लक्स वन होगा, जो आपका फ्लक्स वन होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू आपका फ्लक्स टू से, फ्लक्स वन इज लेस देन फ्लक्स टू। क्यों लेस होगा, क्योंकि जितना कम एरिया उतना कम फ्लक्स जनरेट होगा, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब मैं सेकेंड फैक्टर आपको बता दे रहा हूं, पहला क्या था, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सेकेंड फैक्टर आप बताओगे फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक एग्जांपल दे दूं, सारे हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब देखो ये आप एक एरिया वन दे दो और ये एरिया टू, ठीक। अब मैंने क्या किया है, अब इसका या तो हम सेम एरिया लेके चलते हैं, देखो सेम एरिया लेंगे तो भी क्या डिफरेंस आएगा वो भी देख सकते हैं। अगर सेम एरिया ले रहे हो आप कि हमने बोल दिया कि चलो ये दोनों एरिया ए वन है और इसमें से हमने कितने फील्ड लाइन पास किए, टू और इसमें से थ्री, तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, देखो इससे क्या पता चलेगा हमें कि जो फर्स्ट सरफेस है, जो आपका फर्स्ट सरफेस है उसमें जो जनरेट हो रहा होगा फ्लक्स वो कम, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। दोनों के एरिया सेम है, दोनों के एरिया सेम है, बट चेंजेस क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ज्यादा फ्लक्स और जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना कम फ्लक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर आपका क्या होगा, अगर मैं इसको E1 दे दूं और ये E2, E2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इसमें E1 जा रहा है, तो आप किसका ज्यादा बोल सकते हो फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ वन इज ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ टू। ठीक है, ये हो गया इसका सेकेंड टाइप या सेकेंड वे जिसपे डिपेंड करता है फ्लक्स। जो थर्ड प्रॉपर्टी जिसपे फ्लक्स डिपेंड करता है वो होता है एंगल। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे, ये लिखते जाना। ये आपका फर्स्ट था फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया, सेकंड था फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अब थर्ड आएगा फ्लक्स डिपेंडिंग ऑन, थर्ड आएगा फ्लक्स डिपेंडिंग ऑन एंगल। ठीक है, अब एंगल पे किस तरह से डिपेंड करेगा वो हमें जानना है, तो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। देखो डायग्राम बनाने से इजी रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझ में आएगा इजीली। सपोज ये है हमारा सरफेस और ये पास हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैं इसको नेम कर दे रहा हूं, ये E1 है और ये जो इसमें जो A होगा वो ये रहा। तो अब जब हम बात करते हैं वेक्टर में तो हम हर चीज का डायरेक्शन लेते हैं, तो जो इसमें ए का डायरेक्शन होगा, क्या जो भी ए का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमें सबसे पहले नोट करना होगा। ए का जो भी डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर और उससे आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। क्या जो एरिया का डायरेक्शन, जो ए का डायरेक्शन है,
ठीक है, वेक्टर है तो हमें हर चीज का डायरेक्शन लेना होगा, तो जो ए का डायरेक्शन होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा और क्या होगा, सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, ए इज आउटवर्ड, देखो ए आउटवर्ड जा रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर, सॉरी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ए, और ए क्या होगा आउटवर्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन और सरफेस से परपेंडिकुलर, तो अब जब सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा, देखो ये ए का डायरेक्शन मैं ये ब्लैक वाले मार्कर से शो कर रहा हूं, तो अब क्या होगा, जो ए है वो ई के डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या कि ये पूरा फ्लक्स इसमें से पास हो जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं। देखो ए का डायरेक्शन ये है और यही ई का डायरेक्शन है, इसका मतलब होगा ए इज पैरेलल टू ई वन। समझ में आ रहा है क्या, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये जो सरफेस है आपका ये फील्ड लाइन है, ठीक, तो जो ए का डायरेक्शन होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, क्या परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन, ये दिमाग में नोट कर लो और आपके नोटबुक में भी नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हमने क्या बोल दिया कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए का डायरेक्शन भी ऐसा होगा और ई का डायरेक्शन पहले से ही ऐसा है, तो क्या ओवरलैप कर रहा है, जिसको हम पैरेलल भी बोल सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जाएगा, जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल फ्लो थ्रू इट। तो ठीक है, तो अब इसमें थीटा कितना हम बोलेंगे, दोनों एक के ऊपर एक ही है तो थीटा कितना है, जीरो डिग्री। फ्लक्स क्या मिल रहा है आपको, फ्लक्स आपको मिल रहा है मैक्सिमम, फ्लक्स कितना मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब आपको थीटा एक बार तो क्या हो गया कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और सरफेस एरिया दोनों पैरेलल जा रहा है, ठीक, ई और ए पैरेलल है, ई और ए पैरेलल है। अब सेकंड, तो अब हम देखेंगे, देखो हमने ये तो पहले देख लिया कि अब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में थे, एरिया जो था, अब हम क्या करेंगे कि जो आपका ये देखो, अगर कुछ ऐसा हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो किस साइड जाएगा, तो इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस केस में जो एरिया हमने क्या पढ़ा था, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इस साइड में जा रहा है। ये देखो ये ऐसा सरफेस है, इसके जैसा नहीं है, स्टैंडिंग पोजीशन में स्लांट है, ठीक है, या स्लीपिंग पोजीशन बोल सकते, उस पोजीशन में ही है, ये स्टैंडिंग में नहीं है। तब जब सरफेस ऐसा होगा, अगर आपका जो सरफेस, तो अगर देखो ये सरफेस ऐसा होगा तो क्या होगा, अब आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इसमें से तो पास नहीं होगा क्योंकि वो प्लेन सरफेस है, तो वो क्या होगा, इधर से ऊपर से पास हो जाएगा, नीचे से पास हो जाएगा, लेकिन इस पे नहीं पास होगा। और ये पहले केस में क्या रहता था, ऐसा रहता था और इसके अंदर से पास हो जा रहा था, ठीक है। तो इसमें जो ए का डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन और ई का इस साइड, तो इस टाइम पे देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हो रहा तो जो आपका फ्लक्स है वो कितना होगा, फ्लक्स जीरो होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो एरिया है आपका वो परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना है, थीटा कितना है 90 डिग्री, ई क्या है परपेंडिकुलर टू ए, और इस केस में ई था पैरेलल टू ए। तो हमें दो केस पता चल गया, अगर थीटा जीरो होगा तो आपका जो फाई है वो मैक्सिमम होगा या जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा 90 है तो आपका जो फ्लक्स है वो जीरो होगा। तो ये दो चीज हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बेसिस पे हमें फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है, या जो आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला है वो बनाना है। तो देखो अब किस किस चीज पे डिपेंड किया, देखो ये जो एंगल था जो हमने अभी बनाया था, क्या आया था, जब E इज पैरेलल टू A हमने लिखा था, जब E इज पैरेलल टू A लिखा था तो फ्लक्स कितना आया था हमारा, जब हमने लिखा था E इज पैरेलल टू A, तो जब आपका E इज पैरेलल टू A था तो फाई आपका मैक्सिमम आया था और थीटा
जीरो था। जब हमने E परपेंडिकुलर टू A किया तो क्या हो गया, फाई जीरो हो गया, थीटा 90 हो गया। ये एंगल आपको किसमें दिखता है, ऐसा कौन से ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में दिखता है, कॉस थीटा। कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, और कॉस 90 जीरो होता है। तो कॉस थीटा का प्रॉपर्टी है। तो अब हम जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट में हमने क्या लिखा था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फिर फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और एक कॉस थीटा। तब हम जो फाइनल रिजल्ट है वो लिख सकते हैं फाई या जो फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दो। अब ये कॉन्स्टेंट, इसका कॉन्स्टेंट वन रहता है, कॉन्स्टेंट इज वन, तो फाई क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई कितना आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जो ये वैल्यू होगा ये भी वेक्टर होगा क्योंकि दोनों में डायरेक्शन है हमने। और अब हमने क्या पढ़ा था, ये देखो है कौन सा प्रोडक्ट, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब भी डॉट प्रोडक्ट रहता है, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर स्केलर। अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो स्केलर आएगा। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट फाई आएगा वो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा को आप वन ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम ले रहे हैं तो वन थी कॉस थीटा इक्वल्स टू वन ले सकते हो। तो फाई क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए, वेर ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज योर एरिया, वेर ए इज योर एरिया। तो ये था हमारा फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।